उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जानी दुश्मन सांप की कहानियां इन दिनों खूब वायरल हैं। सांप विकास नाम के एक लड़के के पीछे पड़ गया है। विकास का दावा है कि 40 दिन में उसे सांप ने 7 बार काटा है। मामला सामने आया तो सीएमओ ने जांच के लिए एक टीम बना दी, लेकिन विकास को अब भी जान जाने का डर सता रहा है, क्योंकि विकास जहां जाता है सांप पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। सांप के हर हमले से पहले उसकी दाहिनी आंख फड़कती है, सांप काटने का सपना भी आता है। आखिर सांप के बार बार काटने का रहस्य क्या है, विकास और इस सांप के बीच में कनेक्शन क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि विकास का दावा है कि सांप उसे 7 बार काट चुका है और 9वीं बार अगर उसे सांप ने काट लिया तो विकास की मौत हो जाएगी। और ऐसा विकास ये कह रहा है कि सांप उसके सपने में आया था, उसने बोला कि मैं तुझे अब तक 7 बार काट चुका हूँ, 8वीं बार काटूंगा तो तब भी बच जाएगा, लेकिन जब मैं तुझे 9वीं बार काटूंगा तो वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और उस दिन तुझे कोई भी शक्ति बचा नहीं पाएगी। इसीलिए विकास अब डर के साए में जी रहा है। वो पुलिस से, प्रशासन से, अधिकारियों से, अफसरों से, सरकार से, सबसे गुहार लगा चुका है, लेकिन विकास का कहना है कि अभी तक कोई फायदा हो नहीं रहा है। अब वो भगवान की शरण में भी गया है। पिछले दिनों चित्रकूट गया था दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ, और क्योंकि किसी तांत्रिक ने यह बताया था कि काल सर्प दोष है, चित्रकूट जाकर पूजा करा लो तो इस सांप से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद अब राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी भी विकास पहुंचा है। वहाँ भी मेहंदीपुर बालाजी में भी दर्शन कर उसने हनुमान जी से प्रार्थना की है, बालाजी से प्रार्थना की है कि मुझे इस सांप से मुक्ति दिलाइए, मुझे बचाइए। लेकिन मन में उसके डर है, क्योंकि उसका ये कहना है कि सांप सपने में आकर ये कह गया है कि 9वीं बार जब मैं डसूंगा तो तू बचेगा नहीं। नाम मेरा विकास द्विवेदी और बेटू द्विवेदी है। 34 दिन में मुझे 6 बार सांप ने काटा हुआ है। जब सांप काटता है तो हमें पहले से आभास हो जाता है कि आज हमें सांप काटने वाला है। अपने घर में सबको बता देते हैं कि आज के दिन हमें सांप काटेगा। इसके बाद में हमें इस महीने में 34 दिन में 6 बार सांप काट चुका है। सांप कब का काटता है? शनिवार और संडे सांप काटता है। डॉक्टर भी क्या सलाह दिया आपको? डॉक्टर साहब ने बोला कि 3 बार तो पहले घर में काट चुका है, जब 4थी बार डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सलाह दी कि आप अपने मौसी के यहाँ या किसी के घर में बाहर कहीं रहिए जाके। तो हम अपने मौसी के यहाँ रहने गए तो वहाँ भी हमको सांप ने काटा। फिर इसके बाद हम अपने घर में आके रहने लगे, फिर यहाँ भी एक बार चाचा के यहाँ फिर सांप ने, फिर लास्ट बार बाइट सांप ने चाचा के यहाँ काटा है। सपने में यही आया है कि जब 3री बार सांप ने काटा था तब सपना आया था कि हम आपको 9 बार काटेंगे, तो 6 बार काट चुका है, 3 बार अभी और काटेगा। तो 9वीं बार में यह दावा किया है कि जब काटेंगे तो आपको कोई दैवी शक्ति या डॉक्टर कोई भी कुछ भी नहीं बचा सकता, हम अपने साथ आपको ले जाएंगे। क्या मांग कर रहे? प्रशासन से हमारी यही मांग है और उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी यही मांग है कि हमारा आयुष्मान कार्ड बनवा दिया जाए। अनूप तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त इस खबर पर लाइव जुड़े हैं साथ में। अनूप, ये मामला क्या है, क्योंकि कहानी अगर सुने तो पूरी फिल्मी जैसी लगती है। जैसा विकास ने बताया कि उसके साथ हो रहा है, ऐसा लगता है कि कोई फिल्म देख रहे हो। कई फिल्मों में ऐसा होता है और एक मान्यता भी है कि सांप को कोई नुकसान पहुँचाओ तो आँख में फोटो बसा लेता है और फिर उसके बाद आपको ख़त्म करके ही सांप जो है वो छोड़ता है, अपना बदला ले लेता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा असल ज़िंदगी में विकास के साथ हो रहा है। एग्जैक्टली है क्या इसकी सच्चाई? अधिकारियों के पास भी पहुंचा, हर जगह वो पहुंचा है, लेकिन कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए, 34 दिन में विकास को 7 बार सर्प डस चुका है। विकास सौरा गांव का रहने वाला है, इसका पूरा परिवार परेशान है। एक चीज पर जरूर सवाल ये खड़े हो रहे हैं, जो फतेहपुर के सीएमओ ने कहा कि विकास को सर्प ने जब भी डसा है तो विकास पर्टिकुलर एक ही हॉस्पिटल पे इलाज करा रहा है। यानी जो फतेहपुर के सीएमओ ने इंडिया न्यूज की खबर का संज्ञान लेकर के जांच कमेटी गठित की है, उस कमेटी की टीम जब जांच करने उस हॉस्पिटल पहुंची है तो वहां अभी विकास के इलाज से संबंधित जो अभिलेख हैं वो टीम को नहीं मिले। हालांकि सीएमओ ने ये जरूर कहा कि सोमवार देर शाम तक पूरी जाँच पूरी हो जाएगी, लेकिन विकास को एंटी वेनम इंजेक्शन जो सर्प काटने में दिया जाता है उस अस्पताल के डॉक्टर के जवाहर का भी यही दावा है कि एंटी वेनम इंजेक्शन इनको दिया जाता रहा है जब भी विकास को सर्प ने काटा है और सर्प काटने का ही इलाज होता रहा है। फिलहाल इनके जो घर के लोग हैं
वो ये चीज अब समझ रहे हैं कि कोई तंत्र विद्या किसी ने कुछ करवा दी, इस वजह से सर्प मेरे बेटे को बार बार काट रहा है। तो अभी दो दिन पहले परिजन चित्रकूट लेकर के गए थे बेटे को, वहाँ उन्होंने दिखाया है। और इसके बाद अब संकट मोचन हनुमान जी की शरण में मेहंदीपुर बालाजी में परिवार पहुँचा है। पूरी तरीके से आर्थिक रूप से भी परिवार, क्योंकि सामान्य परिवार से आता है विकास, तो आर्थिक रूप से भी कमर टूट चुकी है। इसलिए उन्होंने सरकार से गुहार लगाई थी कि सरकार उनका आयुष्मान कार्ड बनवा दे और इलाज में मदद करेगी। अच्छा अनूप, मुझे एक चीज और बताइए कि क्या विकास को अभी जो सीएमओ की टीम है उन्होंने मेडिकली एग्जामिन किया है? क्योंकि 7 बार अगर सांप ने काटा है तो शरीर पर सांप के काटे के निशान भी होंगे। जो स्नेक एक्सपर्ट होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं वो इस स्नेक बाइट के निशान को देखकर पता लगा लेंगे कि एग्जैक्टली सच्चाई है क्या। क्या विकास का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है या कराने की तैयारी है? देखिए, बिल्कुल कराने की तैयारी है, क्योंकि सीएमओ की टीम जब विकास के घर पहुंची थी तो विकास के घर पे ताला लगा मिला था। विकास चित्रकूट चला गया था। चित्रकूट से जब विकास वापस आया तो उनके परिजन लेकर के राजस्थान मेहंदीपुर चले गए। तो सीएमओ की टीम विकास के आने का इंतजार कर रही है। जब विकास आएगा तो इसके बाद बाकायदा उसका मेडिकल कराया जाएगा और उस निजी हॉस्पिटल अस्पताल से वो कागजात मंगवाए जाएंगे दवाओं से संबंधित, जो विकास को डोज दिया जा रहा था दवा का। इसके बाद उसका सब मिलान करेगी सीएमओ की टीम और फिर देखेगी कि आखिर बार बार सर्प काटने की वजह क्या थी। और सब से बड़ी बात है कि ये आश्चर्यचकित घटना है कि और प्रशासन भी इस पे हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार सर्प किसी व्यक्ति को बार बार काट रहा है एक ही सर्प। तो फिलहाल अभी जांच पूरी नहीं हुई, इसमें डीएफओ की टीम भी लगी है और जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो तस्वीर क्लियर होगी। ठीक है अनूप, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।